देखिए लगभग 107 108 लोग हैं जो 6-7 दिन पहले 2 पेशेंट पॉजिटिव निकले थे और उनमें से हमने 2 पेशेंट जो पॉजिटिव निकले तो हमने फिर देखा कि कौन कौन लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो उनको क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी था, तो उनको क्वारंटीन हमने किया। उनमें से 85 लोग तो अपने घरों में रह रहे हैं, उनके पास घरों में काफ़ी फैसिलिटी है। 24 लोग वो लोग थे जिनके घर में पूरी फैसिलिटी नहीं है क्वारंटीन करने की, तो उन लोगों को हमने हॉस्पिटल में रखा हुआ है और अब हमने हॉस्टल ले लिया, वहाँ क्वारंटीन किया है। तो फॉर्चुनेटली किसी को भी अभी तक कोई मतलब कोई प्रॉब्लम कोई सिम्टम नहीं है, देर ऑल नॉर्मल पीपल। एंड अभी 2-3 दिन के बाद देखेंगे किसको सिम्टम होंगे तो हम टेस्ट करेंगे और सब ठीक रहे तो 14 दिन के बाद सब अपने बाहर हो जाएंगे। सर, इसमें डॉक्टर कितने थे, नर्सेस कितने थे और ये जो पेशेंट कब आया था, ये जो कोरोना पॉजिटिव हुआ? 6-7 दिन हो गए, मुझे एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूँ। डॉक्टर तो बहुत से कम होंगे ना, ज्यादा करके तो बाकी स्टाफ सारे होंगे ना, सारे लोग बराबर ही होंगे। मेरे कम से कम 20-25 डॉक्टर भी हैं और ऐसे ही 20-25 सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, नर्सिस हैं, सभी लोग एक पेशेंट की केयर के लिए सभी इन्वॉल्व हुए होते हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर भी होंगे। सर, आप लोगों को जानकारी कब मिली? विद इन 24 आवर्स। अच्छा सर, तो अब आगे क्या मतलब, ये कब तक, ये लोग कितने दिन हो चुके हैं अब तक इस पूरे मामले को? 6-7 दिन हो चुके हैं, जब 14 दिन हो जाएंगे तो ठीक, इनकी क्वारंटीन खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज और है कि अब गंगाराम को भी COVID-19 के पेशेंट को एडमिट करने का परमिशन मिल गया है, इसके बारे में बताइए कि क्या तैयारियां हैं अभी? हम आधे तैयार हैं, जहां तक स्पेस है हमारा डेडिकेटेड, हमने 7 दिन से स्पेस डेडिकेट किया हुआ है। हमारे जो डेडिकेट स्टाफ है, कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे वो भी इन्वॉल्व हैं। इस टाइम हम सब एमरजेंसी ओपीडी रन कर रहे हैं, एक एमरजेंसी ओपीडी है जिसमें जो पेशेंट हैं जो नॉन फ्लू पेशेंट जाते हैं, जो फ्लू वाले पेशेंट हैं वो फीवर ओपीडी में जाते हैं। वहाँ ऑलमोस्ट हमारे पास 2000 पेशेंट आते थे पहले, 2000 से ज़्यादा आते थे, अब 100 मुश्किल से 80-100 पेशेंट सारा दिन में आते हैं दोनों क्लिनिक में, उसमें से 15-20 दाखिल भी हो जाते हैं। और अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसकी बहुत कमी है, वो मिल नहीं रहा है और उसको मिलने के लिए हम सारे लगे हुए हैं। हमारे पास एटलीस्ट लगभग 2 दिन का स्टॉक तो अब हो गया, कम से कम एट ए टाइम हमारे पास 6-7 दिन का स्टॉक तो होना चाहिए और उसकी कांस्टेंट सप्लाई भी होनी चाहिए। ये बड़ा बिग चैलेंज है सारी कंट्री के लिए, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में। मेरे ख्याल में हो सकता है गवर्नमेंट के पास तो अपना प्रबंध होगा, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक ये प्रबंध नहीं हो तो फिर हमारी लिमिटेशन हो जाएगी ट्रीटमेंट देने के लिए। सर, कितने पेशेंट्स की तैयारी की आप लोगों ने? कितने हमने 51 बेड वो किए हैं, अलग किए हैं, पर यदि जरूरत होगी तो हम सारा हॉस्पिटल भी अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी तक गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 50 बेड मांगे थे तो हमने 51 बेड पूरे तैयार रखे हैं।